मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। खुशी के इस त्यौहार में समाज के सभी तबके को शामिल करने के लिए कोलकाता के 64 नंबर वार्ड के TMC प्रेसिडेंट बिजली रहमान ने सैकड़ों ज़रूरतमंदों के बीच नए कपड़े तकसीम किए, ताकि वो भी दूसरे लोगों की तरह ईद की खुशी मना सके। ज़रूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए बिजली रहमान हर साल ईद और दुर्गा पूजा के मौके पर लोगों के बीच नए कपड़े तकसीम करते हैं। इस साल भी उन्होंने आवाम की खिदमत का ये सिलसिला जारी रखा और सैकड़ों मर्द, औरतों और बच्चों को ईद के नए कपड़े दिए। बिजली रहमान ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, सियासत का मतलब सिर्फ नारे लगाना, चुनाव लड़ना, काउंसिलर, MLA और मंत्री बनना नहीं है, बल्कि हमारे लिए सियासत का मतलब आवाम के दुख सुख में शामिल होना और उनके हर ज़रूरी मदद फरहम करना है। लोगों की मदद करना और उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों में उनके साथ खड़े रहना, यही हमारी ज़िंदगी का मिशन है। ईद और दुर्गा पूजा के मौके पर ज़रूरतमंदों को नए कपड़े बांटकर जो खुशी मिलती है वो हमारे लिए सबसे कीमती है। आइए देखते हैं कि इस मौके पर बिजली रहमान और दीगर लोगों ने क्या कुछ कहा। 64 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जानिब से इस साल भी कर रहे हैं, काफ़ी लीडर लोग से सपोर्ट मिला है, हम नाम बोलना नहीं चाह रहे हैं, जो एकदम टॉप लीडर जो है हम लोग का, उन्होंने साड़ी भेजी है, माला दी ने भी दिया है साड़ी, तो सबका सपोर्ट से आज ये प्रोग्राम हम कर पा रहे हैं। ये करीब 1400 कपड़ा है, 1400 कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि ये जो चीज़ है, ये सवाल इसका पहले भी आया था, हम आप लोग का चैनल का माध्यम से ये पैगाम देना चाह रहे हैं, जो सामने साल, ये साल तो और 2-4 दिन बाकी है ईद का, हम कोशिश करेंगे CM को बोल के ये सजाने वाला सिस्टम जो है, पूजा बोलिए, न्यू ईयर्स बोलिए, 25 दिसंबर बोलिए, तो ये जिस हिसाब से होता है हम उम्मीद कर रहे हैं सामने साल से ये चीज़ हम लोग कर पाएंगे थ्रू गवर्नमेंट। देखिए हम क्या काम कर रहा है ये तो हम बता नहीं पाएंगे, ये आप लोग ही बता पाइएगा, लेकिन 64 नंबर वार्ड का आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने पर्सनली काउंसिलर को बुलाए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं वो किसी भी टाइम यहाँ आके यहाँ मौजूद होगी 100 आदमी का। हाँ नहीं, इसी वार्ड का सब है, इसी वार्ड का। हाँ हाँ, इसमें क्या है, लुंगी है, साड़ी है, बच्चा का कपड़ा है, सलवार कुर्ता है, तो ये सब मिला के ये प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं, 22 या 23 तारीख को ईद है, ईद के नमाज पार्क सर्कस मैदान में इस साल होगा, इसलिए कि वेदर अच्छा है, बारिश नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं जो अच्छी तरीके से हम लोग ईद के नमाज पार्क सर्कस मैदान में अदा करेंगे। ईद के नमाज जो होता है, नमाज ईद इन कॉमेटी के जानिब से हम ये पैगाम दे रहे हैं, उस कॉमेटी के सदर हम हैं। हाँ, हर साल रोड का होने का वजह ये है, रास्ता मैदान भीगा रहने का वजह से हम लोग रोड में जाते, हम लोग का ऑप्शन रहता है, जो मैदान अगर गीला है, मैदान में अगर पानी है, तो हम लोग सरवर्दी एवेन्यू शिफ्ट करते हैं। इस मरता हम लोग पूरा उम्मीद के साथ मैदान हम लोग जाएंगे, लेकिन लास्ट ईयर भी हम लोग का मैदान में करने का इरादा था, एक दिन पहले इतना बारिश हुआ जो आधा माइक लगाने का बावजूद भी हम लोग को खोल के फिर रास्ता में जाना पड़ा। वो डिपेंड कर रहा है मैदान का कंडीशन क्या होगा, मैदान का थोड़ा बहुत बारिश अगर होता है, मैदान का कंडीशन अगर ठीक है, आदमी अगर मैदान में बैठ के नमाज पढ़ सकता है तो मैदान में ही होगा। ये बगल में 5 दिन से करंट का डिस्टर्ब हो रहा था, कसिया बगान ब्राइट स्ट्रीट में भी करंट का डिस्टर्ब हो रहा था, हमने हायर अथॉरिटी चंदन चक्रवर्ती को बुलाए थे, जो जेल मैनेजर सेंट्रल कल वो आए थे, आके हमसे बात करके गए, आप देख सकते हैं केबिल यहाँ से टान के लेके गया है, ये केबिल लगने का बात यहाँ नहीं था, लेकिन इमरजेंसी का वजह से ये केबिल यहाँ लगाया, आज हमारा यहाँ प्रोग्राम है, तो उन लोग आके हमको बोला जो देखिए आपका प्रोग्राम अगर सही तरीके से करना है तो केबिल हमको खोलना पड़ेगा, 2 घंटा करंट नहीं रहेगा। हमने सीधा उनको बोला जो हम प्रोग्राम शॉर्ट करेंगे लेकिन केबिल खोला नहीं जाएगा, कोई भी मतलब 1 मिनट के लिए भी करंट को ऑफ किया नहीं जाएगा,
तो उसी हिसाब से आप देखिए वहाँ से केबल गया है, वहाँ पर अंदर से गया है, यहाँ से गया है, वो केबल आप वहाँ से देख लीजिए। इसका जो आदमी को हम लोग का प्रोग्राम का वजह से कोई आदमी को जैसा तकलीफ नहीं पहुँचे, इसीलिए हम बोला है हमको बंद करना नहीं है। देखिए ये सवाल जो है काउंसिलर सीनियर मोस्ट लेडी है, ये सवाल उनसे अगर आप कीजिएगा तो आपको बेहतर 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 जवाब मिलेगा। वो कहाँ मिलती है, उनका फ़ोन नंबर है, अगर आपको दरकार है तो हम आपको फ़ोन नंबर दे सकते हैं। नहीं, ये बात ऐसा है, जो सिक्योरिटी का रीजन था चीफ मिनिस्टर का वजह से, हम भी वहाँ थे, कुछ जिम्मेदारी हमारा ऊपर भी था, तो काउंसिलर लास्ट मोमेंट में आने का वजह से जो सिक्योरिटी था वो लाल बाजार प्लस सीएम का पर्सनल सिक्योरिटी मोस्ट प्रॉब्ली काउंसिलर को पहचान नहीं पाया है, जिसका वजह से रोका गया था। बाद उनको अंदर आने दिया है, वो आए थे और स्टेज में भी थे कि सुबह से नहीं, हम लोग 3 दिन से मैदान में हैं और रोज़ सुबह रोज़ दोपहर को जाके हम लोग देखते थे जो सही काम हो रहा कि नहीं। इस टाइम में ये काम जो है डेकोरेटर का है, हम लोग सिर्फ देखते हैं जो सही काम हो रहा कि नहीं। ये सब सवाल जो है आप उनसे कीजिएगा तो वही ठीक है, लेकिन सब काम जो है देखिए हम जब अपना जिम्मेदारी पूरा निभाया है तो उसमें अगर काउंसिलर का दरकार काम के लिए अगर दरकार नहीं है तो नहीं है, हम तो कर ही दिए, काम तो रुका नहीं है, अच्छी तरीके से हुआ है। कोई आदमी तो ये बोल नहीं पाएगा जो काम नहीं हुआ है, काम तो सही हुआ है। नहीं देखिए ये जो आप बोल रहे हैं ये सच्चाई है, जो रात को दिन को किसी भी टाइम में करंट जा रहा है, जिसका वजह से आदमी को बहुत ही परेशानी उठाना पड़ा है। बहुत सारा आदमी, बहुत सारा एजेंट सीनियर सिटीजन जो है परेशान होके मॉल के अंदर, सेंट्रल एसी है उसमें, वहाँ उन लोग जाके बैठे हुए थे, कोई बदतमीजी किया नहीं है, कोई तोड़ भांग नहीं हुआ, अच्छी तरीके से उन लोग वहाँ बैठ के थे। और हमने खुद सेंट्रल सीएससी का सेंट्रल मैनेजर जो है उनको कल हम बुलाए थे, उनसे बात किए तो वो एश्योरेंस दिए हैं, हम जितना जल्दी हो सकता है हम कोशिश करेंगे, इसको रजिस्टर किया हुआ है आपका सामने, ये है कल आके उन्होंने ये काम किया है, बहुत ही परेशानी उठाना पड़ा आदमी लोग। ये तो देखिए ऊपर वाला करवाते हैं, हम लोग बस जरिया है, बिजली रहमान सर जरिया है, हम लोग सबको हेल्प कर रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, ये अच्छा चीज़ है, हर साल करते हैं, आगे भी करते जाएंगे, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा करेंगे। अब देखिए हम लोग कहते हैं ना कंपटीशन, यहाँ हो रहा है वो कंपटीशन, हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के रहे। अब कंपटीशन का मतलब है किसी को कोई नुक्स निकाल के कोई साइड से घुसने का कोशिश तो करेगा, ये वही हो रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक रहे। अब कुछ और चाहेंगे, कुछ कुछ लोग रहेंगे जिंदगी भर ही रहेंगे, आज ए है तो कल बी रहेगा, कल परसों सी रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के सदर अभिजीत रहमान साहब हमारे बड़े भाई हैं और वेस्ट बंगाल तृणमूल मंडी सेल के नायब सदर भी हैं। यहाँ पर काउंसिलर नहीं रहते हुए हमेशा वो सोशल एक्टिविटी में लोगों के बीच रहना, साना बसाना, लोगों का काम करना, खिदमत खैर हम हमेशा करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखें सर्दी में कंबल बांटा, पाक सरकार मैदान में आप खुद थे मौजूद, वहाँ पर गलत काम अंजाम लोग दे रहे थे तो बाद में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिजली राजा के वहाँ आप रोकथाम की आप देखे हैं, हमेशा लोगों के बीच रह के काम करते रहते हैं। और आप काउंसिलर का बात कर रहे हैं, काउंसिलर जो है वो अपना काम अंजाम देती है, ये यहाँ का सदर, यहाँ पर इनका जिम्मेदारी है, काउंसिलर का अलग काम है, बिजली राजा का अलग काम है, लेकिन बिजली राजा हमेशा जो है बिजली रहमान साहब हमेशा लोगों के बीच में रह के सोशल काम करते रहते हैं।